बहुत कम समय दिया गया है मुझे, मैं जल्दी से एक बात बोलता हूँ। सबसे पहले जो कन्हैया ने कल बोली थी कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जैसे कि बचपन में बच्चा अपने बाप से बिस्कुट मांगता है तो बाप उसको उठा के अलमारी के ऊपर बिठा देता है और फिर बच्चा बिस्कुट घोल के ये बोलता है कि अच्छा पापा मुझे अलमारी से उतारो, हम भी नौकरी मांग रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने एनआरसी पे बिठा दिया। इस देश में हजारों समस्याएं हैं। दूसरी बात ये बहुत जल्दी से कि ये इसको एनआरसी को मुसलमानों का मुद्दा बताया जा रहा है जो एकदम गलत है मेरे हिसाब से। हिंदुस्तान की सरकार ने ये फैसला किया है, हिंदुस्तानी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, ये मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये हिंदुस्तानी का मुद्दा है। और तीसरी बात, मैं कविता पे आऊंगा, उससे पहले बस एक छोटी सी कहानी, ये कहानी आधी सच है आधी फैंटेसी है लेकिन मैं आपको सुना देता हूं। स्टालिन जो कि एक डिक्टेटर थे, वो एक दिन उनकी गाड़ी रोड में खराब हो गई, गाड़ी खराब हो गई, वो उतरे और उन्होंने बैकअप गाड़ी आने में, प्रधानमंत्री जो भी थे उनकी गाड़ी आने में थोड़ा टाइम था, पास में एक सिनेमा हॉल था, उन्होंने सोचा थोड़ा फिल्म देख लेते हैं। फिल्म आधी हो चुकी थी, इंटरवल था, उसमें वो अंदर घुसे और वो प्लेन क्लोथ में थे, किसी को नहीं पता था वो स्टालिन है, वो जाके बैठ गए और वहाँ पे उस समय स्टालिन ने रूल बनाया हुआ था कि फिल्म के शुरू में भी स्टालिन की फोटो आती थी, सारे लोग खड़े होकर सलाम करते थे और फिल्म के इंटरवल के बाद भी फोटो आती थी, सारे लोग खड़े होकर सलाम करते थे। इंटरवल खत्म हुआ, सब लोग खड़े हुए, स्टालिन की फोटो आई, सब ने खड़े होकर सलाम किया, स्टालिन वहां बैठे रहे, वो खुद को क्या सलाम करते, लोगों ने स्टालिन को कूट दिया कि खड़े क्यों नहीं हुए। कहानी का मॉरल सिर्फ इतना है कि डिक्टेटर ये सोचते हैं कि वो दूसरों को कूट रहे हैं, एक दिन खुद कूटे जाएंगे। और अब मैं जाते जाते सिर्फ ही अपनी एक कविता सुना देता हूं आपको। हम कागज नहीं दिखाएंगे, तानाशाह आके जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, तानाशाह आके जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। तुम आंसू गैस उछालोगे, तुम जहर की चाय उबालोगे, हम प्यार की शक्कर घोल के इसको गट 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 पी जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। ये देश ही अपना हासिल है जहां राम प्रसाद भी बिस्मिल है, मिट्टी को कैसे बांटोगे, सबका ही खून तो शामिल है। ये देश ही अपना हासिल है जहां राम प्रसाद भी बिस्मिल है, मिट्टी को कैसे बांटोगे, सबका ही खून तो शामिल है। तुम पुलिस से लठ पड़ा दोगे, तुम मेट्रो बंद करा दोगे, हम पैदल पैदल आएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम मंजी यहीं बिछाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम संविधान को बचाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम जनगण मन भी गाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। तुम जात पात से बांटोगे, हम भात मांगते जाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे। शुक्रिया।